मेरे कहने का मतलब है मजदूरों का दशहरा बोनस। एक्सक्यूज मी सर, अभी पिछली ही मीटिंग में दिवाली पर बोनस देने का प्रस्ताव पास हो चुका है और दिवाली दशहरे के 20 दिन बाद ही तो पड़ती है। अब दशहरे पर बोनस देने का कोई तुक नहीं। इतने कम समय में दो बार बोनस देने की बात कुछ ठीक नहीं लगती। मजदूरों को अच्छी तरह से मालूम है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है। यस सर। और इस कमर तोड़ महंगाई के जमाने में उनका धरना और हड़ताल के रास्ते पे जाने से रोकने के लिए यही एक सीधा सच्चा उपाय है। और उसके बाद ही सैलरी इंक्रीमेंट मांगेंगे। हमें मजदूरों की बेसिक सैलरी के इंक्रीमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि आज कंपनी को जो कुछ भी फायदा हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, उन्हीं के दम से, उन्हीं की मेहनत से। हाँ। मगर हम बेसिक सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में अभी जल्दबाजी से बात नहीं करना चाहेंगे। दशहरे और दीपावली के बोनस को देकर हम ये साबित कर देंगे कि हम उनकी आर्थिक कठिनाइयों, आर्थिक पहलुओं से वाकिफ हैं और उनके प्रति हमारे दिल में सच्ची सहानुभूति है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मजदूरों की आदत बिगाड़ रहे हैं? नहीं, बिगड़ने से बचा रहे हैं। आई होप एवरीबॉडी विल एग्री टू माई पॉइंट। थैंक यू जेंटलमैन। एक्सक्यूज मी सिस्टर, हर एक घंटे के बाद शाम 6 बजे तक इनका टेम्परेचर लेना और मुझे बता दे रहना। ओके सर। चिंता की कोई बात नहीं। डॉक्टर, घाव कैसा है? घाव तो सीरियस है सर, मगर घबराने की कोई बात नहीं। शी इज प्रेग्नेंट बट सेफ। घाव हील हो जाएगा। थैंक गॉड। बचाने के लिए चाहे जो भी कीमत लगे, आप चिंता मत कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। आइए। थैंक यू डॉक्टर। सेक्रेटरी, इसकी डिलीवरी तक का सारा खर्चा कंपनी उठाएगी, ये बात मैनेजर को बता देना, समझे? सर, ये तो डेली वेजेस पे। नो, बी जनरस फॉर गॉड सेक। मैंने कहा ना, सारा खर्चा कंपनी उठाएगी। सॉरी सर। जी हाँ। इली, फ्रांसिस। जी साहब। इली कहाँ है? मार्केट कहीं आती हूँ। डैडी ने दवा खा ली? हाँ मैडम, दवा खिलाकर कहीं कहीं है। गुड। जी साहब। आओ बेटे, आओ। क्या हो गया है तुम्हें? इतने सीरियस क्यों हो? मैं तुम्हारी आदत से परेशान हूँ। जिस चीज के लिए मना करता हूँ तुम वही करती हो। डैडी को छोड़कर बाहर चली जाती। कितनी बार तुमसे कहा कि मेरी गैर हाजिरी में तुम्हारा रहना यहाँ बहुत जरूरी है। पता नहीं डैड को कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। तो क्या मैं घूमने गई थी? चाहे जहाँ भी गई थी, आखिर गई थी ना। बेटा, बहू को मैंने ही जाने दिया था।
ये क्या है? खुद ही देख लो ना क्या है। अरे मैं तो भूल ही गया, कल तो मेरा बर्थडे है। अरे थैंक यू लीली। हटो, मुझसे बात नहीं करो। एक तो तुम्हारा काम करो, उल्टी डांट सुनो, जाओ। आई एम सॉरी लीली। मैंने क्या गलती की थी जो मुझे डांट रहे थे? डैड को दवा देकर फ्रांसिस की देखरेख में छोड़कर गई थी आधे घंटे के लिए। तुम्हें फोन भी किया था ऑफिस में, पता चला तुम फैक्ट्री में गए हो। हाँ लीली, आज फैक्ट्री में एक अजीब सी घटना हो गई। एक बर्थडे पे काम करने वाली औरत जो बेचारी प्रेग्नेंट थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। सच उसी सिलसिले में मैं फैक्ट्री में गया हुआ था। उस समय तुम मुझे बहुत याद आ रही थी, पता नहीं क्यों भीतर से बहुत डर लग रहा था। क्यों? यही कि ये कहीं तुम्हारे साथ। चलो फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। तुम्हारे पास आते ही फ्रेश हो जाता हूँ। हमारी तो यही विषय कि हमारा ये प्यार जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही बना रहे। चलो चलो, कपड़े बदल लो। क्यों डियर, कहाँ थे? हॉस्पिटल में, डे नाइट बिजी था। तुम वहाँ बिजी थे और मैं यहाँ अनीजी, तुम्हारे इंतजार में एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। आखिर मैं नहाने चली गई, जब पानी की मछलियाँ पानी से तंग आकर बाहर निकलने लगती हैं, तो भला मैं कब तक पानी में रहती? हाँ सुनी, वेटिंग इज ए बिग मेंटल टॉर्चर। कल रात मैं क्लब गई थी, सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे और मैं चुप रही। आकर तुम कुछ बताकर थोड़ी ही जाते हो। रिसर्च से वक्त ही नहीं मिल पाता है कि क्लब के बारे में सोचूं। अरे मारो गोली क्लब को, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी क्लब व्लब की कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हारे लेट आने पर तुम्हारे ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन तुम मेरा वो एंटरटेनमेंट हो जिस पे कोई टैक्स नहीं। तुम बड़े वो हो। मैं क्या हूँ? वो हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं क्या हूँ? We'll be right back.
अच्छा मैं भी आ रहा हूं। What happened, Mrs. Jackson? डॉक्टर, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट। सर, ऑपरेशन इज ओवर, पेशेंट रूम में है। चलिए प्लीज आ बैठिए। डॉक्टर साहब, क्या हालत है? सॉरी मैडम, मिस्टर जैक्सन इज नो मोर। Soul of Mr. Jackson, rest in peace. Amen. Yeah.
क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? उठो उठो, क्या हुआ, क्या देख रही हो? क्या देख रही हो? तुमने नहीं देखा क्या? डार्लिंग, क्या सचमुच यहाँ कुछ नहीं है? कुछ नहीं है? जरूर तुमने कोई भयानक सपना देखा होगा। डार्लिंग, मैं भी यहाँ से जाना चाहूंगी। इतनी रात को? हाँ, मैं चाहूंगी। As you like, आओ। आओ आओ। गुड नाइट। अकेला था? जी साहब। और फिर फिर साहब वो उसने नचारी क्या कर दिया कि हम बेहोश हो गया, और जब होश में आया साहब तो वो मुर्दा गायब था। है? क्या? जी हाँ, मुर्दा गायब हो गया। कमाल है, आज एक ऐसा केस आया था जिसमें एक लड़की गायब हो गई। लड़की गायब हो गई किसी के साथ? खैर, ये बात तो समझ में आती है, लड़की जवान थी, किसी का घर बसाएगी, लेकिन मुर्दा, मुर्दा तो घर उजाड़ देगा। तुम यहां पर साइन करो। जी। रिपोर्ट दर्ज हो गई है जी, कार्रवाई शुरू हो जाएगी, तुम जाओ। अच्छा जाओ। अच्छा साहब, नमस्ते। अच्छा, Thank you.
भी जिंदा हो गया। मैं अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गया। I have made it. Hello, Mr. Jackson. How are you? आप मुझे नहीं पहचानते? मैं डॉक्टर वर्मा, आपका फैमिली डॉक्टर मिस्टर जैक्सन। आप अशोक नगर में रहते हैं, रिमेंबर? आपके डैडी का नाम मिस्टर रॉबर्टसन है। ये क्या है? ये कितनी उंगलियां हैं? आपको कुछ याद नहीं आ रहा? याद करने की कोशिश कीजिए मिस्टर जैक्सन। Try to remember. इसे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। Okay, you relax. I'll just come. Relax. एक विशेष प्रकार के अम्ल का प्रयोग कर 12 घंटे के भीतर मरे हुए आदमी को जीवित करने में सफल हो गया, मगर उसकी याददाश्त नहीं आई। उसका व्यवहार भी विचित्र है, आवाज भी नहीं है। अभ्यास से कुछ मानवीय आदतें डालना संभव है। चलो ना। रानी, भाई साहब माफ कीजिए, चलो ना। चलो ना, क्या कर रहे हैं आप? ये मानिक भाई के आदमी है, अपनी इनसे दुश्मनी अच्छी नहीं। चलो ना, बहुत बुरे लोग हैं, मैं इनको अच्छी तरह जानती हूँ। चलो ना यहाँ से। चल। बैठो बेटा, बैठो। अरे अरे, ये नहीं, मैंने अलग से बाटी रखी है। आ जा जल्दी ला। तो पहले दाल का मजा आएगा। बस जगह, अरे कसरत कर ले, कसरत रहा है। ये लो बेटा, दाल। बस चखना भूल गई, अभी लेकर आती है। बुढ़िया इधर, अभी हम तेरे को चाटे क्या? साथ लाने को नहीं होता क्या? अरे पुलिस आके भी क्या करेगी? कोई नया ऑफिसर लगता है। ये लो बेटा, ये लो। इधर लगते ये जुल्म कब तक होता रहेगा? जब तक हम सोचते रहेंगे। अरे अरे, आज तो उसको भाई के पास आ रहे थे। चल तो भाई के पास जाए। बोल गया क्या? आज जुमेरात है, हफ्ता ले ले। खा ले। ए बुढ़िया, जा दूसरी बोतल लेके आ। ए बुढ़िया, उधर क्या देख रही है? क्या पुलिस वाले को नहीं देखा क्या कभी? हफ्ता लेने नहीं, तुम्हें और तुम्हारे बाप को लेने आया हूँ मैं। कहाँ है तुम्हारा बाप? नहीं मालूम। नहीं मालूम? इंस्पेक्टर, आज तक वो पुलिस वाला पैदा नहीं हुआ जो मुझे और मेरे बच्चों को यहां से ले जा सके। ओ, तो तुम हो भाई मानिक भाई? हाँ इंस्पेक्टर, मैं हूं मानिक भाई। चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना ये वर्दी उतार दूंगा और चेहरा भी बिगाड़ दूंगा, समझे? ओ, दादा पर दादा के दम पर बहुत उछड़ रहा है तू। हाँ, अगर आज मैं तुझे यहां से नहीं ले गया तो मैं ये वर्दी जिंदगी भर नहीं पहनूंगा, और आज तू खुद अपने कुत्तों के साथ इस जीप में जाकर बैठेगा।
हेलो आइसक्रीम बहुत टेस्टी है, तू भी खा लेना। नहीं बाबा मैं नहीं खाती। अरे वाह, पिछली पिकनिक में तो आइसक्रीम खाने में अव्वल नंबर तुम्हारा ही था, तभी तो नहीं खा रही। एक बार में ही मन भर गया, फिर तो तुम ऊँट से कम नहीं हो। ऊँट एक बार पानी पी ले तो उसे 15-20 दिन तक पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो ना, बाहर से ठंडा है, अंदर से गर्म, अजीब है, देखते ही पिघल जाता है। बाहर से इतना गर्म है, भीतर से न जाने कैसा होगा, देखने से भी नहीं पिघलता। तो क्या उसे आइसक्रीम समझ रखा है? एक लड़की के लिए एक लड़का आइसक्रीम ही तो है, देखते ही देखते पिघल जाता है बेचारा। अरे ये तो इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर है तो क्या, क्या मैं उससे कम हूँ? लेकिन है क्वाइट हैंडसम और यंग चैप, देखती हूँ कैसे नहीं पिघलता। यू नॉटी गर्ल, तुम ऐसे नहीं सुधरोगी। एक बार मैं तुम्हें एक्सक्यूज कर चुका हूँ, मगर अब मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे जा, तू क्या बताएगा मुझे, क्या किया है मैंने? बड़ा आया है इंस्पेक्टर बनके। बकवास मत कर, मैं पहले भी तुम्हें वार्निंग दे चुका हूँ। अरे ये तो बड़ी गर्म मिजाज का है, इसकी गर्मी मैं अभी उतार देती हूँ, मेरी जैसी लड़की से इसका पाला नहीं पड़ा है। अब मैं तुम्हें सीधे रास्ते पे लाता हूँ। देखती हूँ तुम मुझे सीधे रास्ते पे लाते हो या खुद सीधे रास्ते पे चलते हो। चल थाने। तुम मुझे क्या थाने ले जाओगे? हाथ दे। चल। अरे 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 अरे
कौन है बेटी गीता? माँ देखो ना मुझे विक्रम कितना तंग करता है, घर हो या बाहर, रोड हो या बाजार, जहाँ देखो मोटरसाइकिल में बैठाकर घुमाने की जिद करता है। आज तो इन्होंने हद ही कर दी माँ। माँ तुम इन्हें समझाओ ना। समझाने की क्या बात है, मैं तो समझौता सोच रही हूँ। भगवान से रोज यही विनती करती हूँ, बस तुम दोनों की शादी हो जाती समझो मेरी आंखों की रोशनी लौट आती। क्यों बेटा विक्रम तुम चुप क्यों हो? माँ जी मेरी नई नई नौकरी है, जरा जम जाऊं तो शादी की बात सोचूं। वैसे भी इतनी जल्दी क्या है? बेटा अब क्या जल्दी, 18 साल भी कोई जल्दी है? बेटा 18 साल से ये घर मर्द बिना सूना है। इंस्पेक्टर साहब नमस्ते। क्या काम है? हुजूर को नमस्ते किया बुरा मान गए। बकवास बंद करो। शायद दोस्ती पसंद नहीं आई। मैंने कहा ना। हाँ साहब मेरा मतलब था कि वो जुए का अड्डा जुआ चलने देते साहब, और जुआ खेलने वाले को इतना दिमाग तो है ही। सारा माल अकेले खाना नहीं चाहिए, पब्लिक का हिस्सा तो रखना चाहिए। मेरा मतलब आपको भी हफ्ता बकायदा मिल जाए। बस यही ना, आज से कहीं भी जुआ नहीं होगा। जाते हो या अभी बंद कर दूं। आउट। नहीं साहब गलती है, मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। हेलो मिस्टर जैक्सन हाउ आर यू? आई सेड हाउ आर यू, शेक हैंड। आई सेड शेक हैंड, हाँ हैंडशेक, हैंडशेक, शेक हैंड। आई सेड शेक हैंड लाइक दिस, बिल्कुल ऐसे ही। वेरी गुड बॉय। सुनो अब मैं जैसा करूंगा या जैसा कहूंगा बिल्कुल वैसा ही करना। शेक हैंड, दैट्स लाइक अ वेरी गुड बॉय, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब मैं जैसा करता हूं बिल्कुल वैसा ही करना। मैं आगे आगे चलता हूं, तुम मेरे पीछे पीछे आना। जस्ट फॉलो मी राइट। आइए नहीं समझे, मैं समझाता हूं। होल्ड माई हैंड, होल्ड इट, फॉलो मी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। वेरी गुड एक्सीलेंट। बॉल खेलोगे? बॉल बॉल, वेरी गुड बॉय। कैच इट कैच इट कैच इट कैच इट। वन टू वन टू वन टू। अब मैं जैसा करता हूं या जैसा कहता हूं तुम हमेशा बिल्कुल वैसे ही किया करो राइट। कैच द बॉल, वन टू थ्री। हेरो पकड़ो, अब मैं इसको हवा में फेंकूंगा तो तुम पकड़ना। देखो पकड़ना ऐसे, हाँ वन टू वन टू वन टू राइट। नाउ कैच इट, जैसा मैं कहता हूं वैसे ही करो। ऊपर ऊपर, वन टू वन टू वन टू वन टू। सलाम साहब। सलाम। अरे ये लोग कौन है? ये दोनों धंधे वाली है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आजकल बेकारी के जमाने में काम कहाँ मिलता है, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। नहीं साहब मेरा मतलब है कि वेश्यावृत्ति करती है। हैं? वेश्यावृत्ति यानी कि रंडी? अरे कहाँ से उठा के ले? पार्क लेन से। पार्क लेन, वेरी बैड लेन। तुम दोनों का नाम क्या है?
ए पांडो या दोगी ना गया हाथ मारे चलो गे 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 गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर मैं वेशा सिंह की प्रेसिडेंट हूँ और मैं सेक्रेटरी हूँ ओह आइए 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 सर सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट आए कौन सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट वेशा सिंह के आइंदा पुलिस स्टेशन में आने की हिम्मत की तो ठीक नहीं होगा हवलदार यस सर पुट देम इन द लॉकअप ए इंस्पेक्टर तुम अभी नए हो मेरे बारे में तुम अभी जानते नहीं हो मैं तुम्हें निकलते ही देख लूंगी अच्छा पहले भीतर जाओ बाहर निकलोगी तब देखेंगे कम ऑन टेक देम इन चलो 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 हेलो हेलो कुड आई स्पीक टू मिस्टर विक्रम रॉन्ग नंबर सुनो विक्रम मोती मोती सुन मोती ये लेटर ले जाकर पुलिस स्टेशन में दरोगा जी को दिया हा? क्या है बेटी कुछ नहीं माँ अरे वाह वाह बरकुरदार कौन सा नोटिस लाया हो बरकुरदार ये किसी के काटने की नोटिस है या तुमने किसी को काटा है 1000 किसेस टू यू अब तो तुम्हारे बिना एक पल भी जीना मुझे मुश्किल हो रहा है तुम विश्वास नहीं करोगे मगर ये सच्चाई है सारी रात मेरी आंखों में तुम्हारी तस्वीर भरी रहती है बेचारी नींद भी नहीं आ पाती पल के एक टक खुली तुम्हारी तस्वीर सजाती रहती है मेरा दिल जोर जोर से धक 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 करता रहता है प्रीतम मुझे बचा लो तुम्हारी प्रेम दीवानी गीता शट अप क्यों मसराम क्या मामा कंप्लेन लेटर नो सर नोटिस प्यार की यू डॉग तू और तेरी मालकिन दोनों पागल हैं कम ऑन आउट मूव तुम लोग क्या कर रहे हो हेलो डॉक्टर इज हियर हाय डार्लिंग हाय डार्लिंग डार्लिंग वो हॉल में कौन आदमी बैठा है पूछने पर कुछ बोलता ही नहीं मैंने उसे यहाँ पहली बार देखा है ये तो अपने ही आदमी है ये दुनिया में पहली बार आया है और तुम दुनिया में पहली हो जो मेरी इस क्रिएशन को पहली बार देख रही हो क्या मतलब कैसी क्रिएशन ये मुर्दा था मैंने इसे दोबारा जिंदा किया है इंसान ने पहली बार मौत को जीता है अब इंसान और भगवान में भेद खत्म हो गया है क्या इंसान और क्या भगवान ये भी दुनिया में पहली बार हुआ है चले ये तुम खुश हो रहे हो मगर ये तुम्हारी बेवकूफी है क्या बक रही हो तुम होश में तो हो तुमने नेचर के खिलाफ काम करके उसके साथ छेड़खानी की है जब भी कोई काम नेचर के खिलाफ होता है नेचर में उल्टा रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन का नतीजा बहुत बुरा होता है
तुम मेरी क्रिएशन से खुश नहीं हो? चलो कोई बात नहीं, फिर हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करते हैं जिससे ये दुनिया क्रिएट हुई है। डार्लिंग, यू आर वेरी नॉटी। आइए। जैसा करूंगा या जैसा कहूंगा जैसा कहता हूं, तुम हमेशा बिल्कुल वैसी किया करो, राइट? Ah!
यस मस्तराम सर, केवल दो लाशें मिली है, वो भी आज जली, पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। लेकिन सर, फार्म हाउस का अजीब हुलिया बना हुआ है, कहीं शीशी, कहीं बोतल और उसके साथ एक अजली डायरी भी मिली है सर। जांच पड़ताल जारी रखो, आग लगने के कारण के तह में जाना बहुत जरूरी है। तुम्हें कोई कारण नजर आया? कुछ भी नहीं सर, ये तो नेचुरल आग लगती है, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया होगा सर। कम ऑन। यस सर। ओम ह्रीं क्रीं चमुंडाय नमः। ओम एम ह्रीं क्रीं क्रीं चमुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्रीं चमुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्रीं महाकाली नमः। जय महाकाली। ओम जय महाकाली। जय सर, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की राय है कि रेप एक अजीब केस है, सीमेन की जगह यूनिक एसिड जैसा केमिकल पाया जाना यह साबित करता है बलात्कारी ना तो इंसान है ना तो जानवर। इस तरह की अटकलबाजी लगा के चुप रहना पुलिस का काम नहीं है मिस्टर विक्रम। बाय दिस एक्सप्रेशन यू आर फेलिंग इन परफॉर्मिंग योर ड्यूटी। पब्लिक के बदलते मिजाज को देखकर यह काम बहुत जल्दी करना है मिस्टर विक्रम। पुलिस को गुमराह करने के लिए यह कुछ शातिर अपराधियों का काम है मिस्टर विक्रम। क्रिमिनल क्राइम करते समय कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकता है और यह केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। अंडरस्टैंड? मैं शीघ्र ही अपराधी को आपके सामने लाता हूं। विश यू बेस्ट ऑफ लक मिस्टर विक्रम। थैंक यू सर। हाँ तो जब उड़े तो पानी भर के कैसे लाएगा अपने जोरू के लिए, जरा दिखा। अरे बैठता क्यों? हाँ
अरे तेरी जोरू तेरे को तंग करेगी तो तू क्या करेगा है? अरे हाँ, अरे तू लूट लगाएगा कि क्या करेगा? अरे डंडा लेके जाएगा। अरे डंडे से मत मार भाई तू। अरे अरे ओहो डंडा मत ले, ओ डंडा छोड़। अरे हाँ, अरे तो नहीं रूठ गया क्या? हाँ डंडा लेके फिर जा रहा है तू, ससुराल जा रहा है क्या? अरे डंडा छोड़। हाँ जरा बाबू लोगों को दिखा, धमाका दिखा जरा। हाँ इधर आ। अरे ये तेरी जोरू तो उधर बैठ गई रूठ के। अरे क्या हो गया तुझे? अरे कम, अरे क्या हुआ? अरे कोई है क्या इधर देख रहा है? ये जोरू क्या पीछे बैठी है? ये किसको देख देख के कर रहा है? अरे भाई कहाँ है जोरू? तो इधर बैठी है। अरे क्या हो गया है तेरे को? अरे सलाम कर सबको, उठ। अरे सब बाबू लोगों को सलाम कर। हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ
Oh, my God.
हद है यार, कमाल हो गया। दो दो वारदातें हो गई मगर पुलिस अपराधी को अभी तक पकड़ ही नहीं पाई। पुलिस क्या पकड़ेगी खाक, खुद जब पुलिस का हाथ इसमें रहता है तो किसे पकड़े। कैबरे डांसर के मर्डर की बात तो समझ में आती है मगर उस डॉक्टर के मर्डर से पुलिस को क्या फायदा। वो तो बेचारा विदेशी था, अपने देश की सेवा करने आया था। सुना है कि मारने वाले ने उसे और उसकी पत्नी को भी मारने की कोशिश की। अरे डॉक्टर विदेश से आया था, काफी माल रहा होगा। तुम ठीक कहते हो यार, पुलिस का भी तो हिस्सा रहा होगा। चाहे डॉक्टर हो या कैबरे डांसर, उसे तो अपने हिस्से से मतलब है। अगर यार इस इलाके में जो नया नया इंस्पेक्टर आया है वो बेचारा काफी शरीफ लगता है। अगर वो शरीफ है तो उसके आने के बाद ये सब ज्यादा क्यों बढ़ गया। आज के जमाने में ना कोई शरीफ ना कोई चोर, सब बराबर हैं। ठंडी हो गई यार, चलो। मानक भाई, इंस्पेक्टर आ रहे हैं। आने दो, वो हमसे दोस्ती करने आ रहा है। उसे भी पता चल गया कि मानिक भाई से दुश्मनी काफी महंगी पड़ेगी। अरे ओ कल्लू। हाँ मानिक भाई। उसके स्वागत की तैयारी करो। सुरा से, सुंदरी से या संपत्ति से? संपत्ति से तो मैंने आजमा लिया है, सुंदरी तो उसके पास है ही, जल्दी शादी करने वाला है। बाकी रह गया सुरा। सूरा का भी वश नहीं चलने वाला। आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप पहली बार हमारे यहाँ आए हैं, आपका स्वागत करना तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारा क्या फर्ज है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम उसे भूल गए हो, उसी फर्ज को याद दिलाने मैं यहाँ आया हूँ। आप क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मुझे सब पता है, सफाई देने की कोशिश मत करो। साफ साफ बताओ उस दिन तुम क्लब में क्या करने गए थे। किस दिन? जिस रात कैबरे डांसर रोजी का खून हुआ था। हाँ साहब, मैं उस क्लब में अक्सर आता जाता रहता हूँ, मैं उस क्लब का मेंबर हूँ। उस दिन मेरे सामने कुछ नहीं हुआ, उसके खून का पता मुझे बाद में हुआ। बल्कि रोजी को रात को एक आदमी परेशान कर रहा था और उसके साथ मेरी झंझट भी हुई थी। कौन था वो? वैसे ही कोई लोफा सा लगता था। उसको तुम जानते हो? नहीं साहब, मैंने पहले भी तुम्हें बता दिया है, फिर एक बार और बता देता हूं। अगर आइंदा तुमने कोई लफड़ा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे? कैबरे डांसर की रहस्यमय मृत्यु की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है, किंतु पत्रकारों के पूछे जाने पर पुलिस ने दावा किया है कि वह बहुत जल्द डॉक्टर वर्मा व कैबरे डांसर दोनों के हत्यारों को पकड़कर रहस्य के गर्भ तक पहुंचने में सफल हो जाएगी। मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने पुनः आणविक शक्ति के शांतिपूर्ण ढंग से प्रयोग की वचनबद्धता को दोहराया है। पड़ोसी राष्ट्रों के साथ देश की मैत्री बढ़ी। औरतों पर हो रहे अत्याचार से सरकार चिंतित। गीता, आजकल के युग में औरतें अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। गीता की सुरक्षा की तो गारंटी हो गई है, चिंता तो हमें अपनी करनी है। अरे यार, गीता चाहेगी तो विक्रम साहब हमारी सुरक्षा भी कर देंगे। खाक सुरक्षा करेंगे, पहले अपनी सुरक्षा तो कर ले फिर गीता की सुरक्षा करेंगे। अरे तुम तो कमाल करती हो, विक्रम साहब इंस्पेक्टर भी है और साथ में पिस्तौल भी रखते हैं। पिस्तौल रखने से क्या फायदा, गोली भी चलानी आनी चाहिए। गोली ऐसे नहीं, निशाने पे लगाते हैं। अरे यार, गीता से बड़ा निशाना और क्या होगा। हो सकता है कहीं और भी निशाना हो। ऐसा कौन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, कौन जाने दरोगा जी के मन को। अभी पता कर लेते हैं। हेलो विक्रम। हाँ बोल रहा हूँ। मेरे घर में एक आदमी घुसा है, वो बड़ा शैतान लगता है। हाँ, वो मुझे घूर घूर के भी देख रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। वो सामने खड़ा है या कहीं और? वो बेडरूम के बाहर खड़ा है, मैंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया है। माँ जी कहाँ है? माँ जी ऊपर वाले कमरे में है। अच्छा तुम घबराओ मत, मैं अभी आता हूँ। ओके मस्तराम। यस सर। मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। ओके सर, टेक केयर। अब निशाना सही है। अच्छा गीता, तो हम चलते हैं, दरोगा जी आते ही होंगे। अगर अब हम रुक गए तो निशाना फिर चूक जाएगा। बाय बाय।
या बाहर, दिन हो या रात, तुम्हें हर वक्त मस्ती सूझती है। इट्स इनफ प्लीज। तुम तो नाराज हो गए विक्रम। दूसरी बार मेरे साथ ये कभी मत करना। शिकायत की सजा क्या होती है, कुछ बताओ ना ओ सनम, तुम तो है मेरी कसम।
महकता है ये समां शरारत की आला क्या होती है कुछ बताना ओ सनम तू तो है मेरी कसम मोहब्बत की बताना ओ सनम तुमको है मेरी कसम तुमको है मेरी कसम तुमको है मेरी कसम तुमको है मेरी कसम सर फॉरेंसिक एक्सपर्ट आए हुए रिपोर्ट तैयार हो गई यस सर सर इस कैबरे डांसर के मर्डर में भी वही सिम्टम्स पाए गए हैं जो उस डॉक्टर और उस क्लवर के केस में इस रिपोर्ट से यह साबित हो गया है कि दोनों का कल्प्रिट सेम है इस डांसर का मर्डर भी रेप से हुआ है उसके शरीर में सीमेन की जगह सेम यूनिक एसिड जैसी चीज मिली है डांसर की मौत इसी एसिड के डिस्चार्ज से हुई है आश्चर्य के काम किसी आदमी का है या किसी डांसर के शरीर के अंदर से प्राप्त एसिड टेस्ट के लिए नेशनल लेबोरेटरी भेज दिया गया है रिपोर्ट आने के बाद तथ्य सामने आ जाएगा और तब यह पता चल जाएगा कि एसिड का बेस कॉम्बिनेशन क्या है हेलो यस औरत है या मर्द मैं अभी आता हूँ चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ ओके सर
लोगों को मैं साफ साफ कह देता हूं कि अब पृथ्वी का नाश होने वाला है। जय मां। ये जो रहस्यमय ढंग से हत्याएं हो रही हैं, ये हत्याएं कोई पृथ्वी का पुरुष नहीं कर रहा। फिर कौन? सिर्फ शैतान, शैतान, शैतान। कभी तुम लोगों ने सुना है कि बलात्कार से मरी हुई औरत के शरीर में वीर की जगह तेजाब हो? क्योंकि मनुष्य के शरीर में खून होता है और खून से वीर्य ही बनता है, तेजाब नहीं। ये उस शैतान का काम है, ये मैं नहीं कह रहा, मुझे मेरी देवी मां ने मेरे सपने में आके कहा है। समझे तुम लोग? समझे? पुलिस की क्या बिसात है जो इसे पकड़ सके? इस शैतान को पृथ्वी पे कोई नहीं पकड़ सकता। इस पृथ्वी को विनाश से केवल एक ही आदमी बचा सकता है, वो हूं मैं। वो कहां है? कहां है वो? सिर्फ मैं उसे पकड़ सकता हूं। कान खोलकर सुन लो, मेरी कोई औकात नहीं। जो कुछ भी मैं करूंगा अपनी देवी मां के आशीर्वाद से करूंगा। मैं तुम्हें पहले से कह देता हूं। हां बाबा। जय महाकाली। जय बाबा की। धन्य है। जय हो। सर, सर। क्या हुआ? सर, मैंने एक बहुत बड़ा बाबा देखा है सर। वो कहता है ये जो भी कुछ हो रहा है वो शैतान कर रहा है। सर, वो बहुत बड़ी शक्ति है सर। सर, वो उसे पकड़ सकता है सर। ये बात उसने सबके सामने कही, मैं भी वहीं पर था सर। सर, जब ये काम शैतान का है तो हम पुलिस वाले क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं सर? व्हाट नॉनसेंस! आइंदा ऐसी बात मत करना वरना तुम्हारी खैर नहीं। जाओ, उसे लेकर आओ। तो तुम हो पब्लिक को गुमराह करने वाले? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं कौन होता हूँ पब्लिक को गुमराह करने वाला? तो तुमने उसे देखा है, तुम उसे जानते हो। क्या तुम लोगों को पुलिस के खिलाफ नहीं भड़का रहे थे? अरे मैं तो भक्तों को अपनी देवी माँ के बारे में बता रहा था। वही तो है। चुप रहो वरना। मैंने क्या किया है साहब? इतना करने के बाद कहते हो कि मैंने क्या किया है साहब? मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, आप खामखा मुझे परेशान कर रहे हैं। मैंने कोई पब्लिक को नहीं भड़काया। मैं आप मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? मैंने जो कुछ भी कहा है सच कहा है। अब आइंदा अगर तुमने लोगों को भड़काने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे? काली पहाड़ी वाली मर्डर केस की फाइल निकाल। यस सर। सर, मैं अशोकनगर जा रहा हूं उस औरत के खून के बारे में छानबीन करने। इसे रख दो। क्या नाम है तुम्हारा? फ्रांसिस साहब। कितने सालों से काम कर रहे हैं यहां पर? 20 साल हो गए साहब। और कौन कौन रहता है इस घर में? बड़े बाबू साहब, बहुरानी तो पहले ही भगवान को प्यारी हो गई। कौन बड़े बाबू? मिस्टर रॉबर्टसन, जो इस घर के मालिक हैं। आइए साहब। चलो। सर, इंस्पेक्टर साहब आए हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। यस। आप अपनी बहू की मौत के बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या वो बीमार थी? कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब,
वो तो एक जिंदा लाश थी। जब से जैक्सन, कौन जैक्सन? माय ओनली सन। वो तब से मरी मरी सी रहने लगी थी। उस दिन जैक्सन की बरसी थी। वो कब्र पर गई तो लौट के नहीं आई। गॉड हमें न ले जाकर मेरी बहू को ले गया। ओ गॉड, ये कैसा अन्याय है इंस्पेक्टर साहब, ये कैसा अन्याय है। आपके किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं? माय ओनली सन, मेरे घर का एक ही चिराग था, वो भी एक साल पहले बुझ गया। मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं, ना ही मेरी बहू की, तो मेरी किससे दुश्मनी। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, आप आराम कीजिए। यही जैक्सन है साहब। पति के मौत के दिन पत्नी की मौत, ये तो अजीब संजोग है। अब उनका मतलब ये है साहब कि कल के झगड़े में जग्गू का कोई हाथ ही था, उसे आप छोड़ दीजिए। Shut up! जब तुमसे राय पूछी जाए तब बताना। आउट। खामखा नाराज क्यों रहे साहब? आउट। तुम जाते हो नहीं? जाता हूं साहब। साहब ये आदमी वही है जिससे मेरी रात को क्लब में मारपीट हुई थी और उसी दिन रोजी का मर्डर हुआ था। मगर ये आदमी यहाँ, मगर ये तो साल भर पहले मर चुका है। नहीं साहब, ये वही आदमी जो रोजी को परेशान किया था। मेरी ये याददाश्त इतनी कमजोर नहीं, मैं इस पर शर्त लगा सकता हूँ। क्या बकते हो? ठीक है, जब तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें बुला लिया जाएगा। अब तुम जाओ। मस्तराम। यस सर। डॉक्टर हाउस की मेटीरियल ऑब्जेक्ट्स ले। यस सर। हेलो, वेलफेयर हॉस्पिटल। ये मैं इंस्पेक्टर विक्रम बोल रहा हूँ। बोलिए। आप मुझे ये बता सकती हैं कि और के कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की मौत एक साल पहले हुई थी? एक मिनट सर। यस सर, उनकी मौत का डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर रॉय ने साइन किया था। सर दिखाओ। मस्तराम। यस सर। जाओ और ग्रेवयार्ड के वॉचमैन को यहां ले आओ। यस सर। साहब ये वही आदमी जो रोजी को परेशान किया था। मेरी ये याददाश्त इतनी कमजोर नहीं। सर। हाँ? वॉचमैन। नमस्ते साहब। नमस्ते। इसे पहचानते हो? जी हाँ साहब, ये उसी आदमी की फोटो है जिसकी लाश कब्र से गायब हुई थी। इसकी रिपोर्ट भी तो मैंने आपके दर्ज करवाई थी। ठीक से देख लो, कोई और तो नहीं है? नहीं साहब, दूसरा आदमी हो ही नहीं सकता। ये उसी आदमी की फोटो है जिसकी लाश को मैंने अपने हाथों से गाड़ा था। टेलीफोन देखो। हेलो जी, सर कमिश्नर साहब का टेलीफोन आपके लिए। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर विक्रम, पब्लिक में आतंक फैल रहा है, लोग कह रहे हैं कि पुलिस अपने काम में नाकाम हो चुकी है। कल्पिट को जल्दी पकड़ने के आदेश गृह मंत्रालय से डीजीपी और मुझे मिल चुके हैं।
मैं तुम्हें सिर्फ एक हफ्ते का समय देता हूँ। अगर तुम कल्प्रिट को पकड़ने में नाकाम रहे तो ये केस किसी दूसरे ऑफिसर को दे दिया जाएगा। अंडरस्टैंड सर? मुझे कुछ क्लू मिले हैं और मैं जल्द से जल्द क्रिमिनल को पकड़ने में कामयाब हो जाऊंगा। ओके, यू बी हियर। यस सर। ओके, यह है वो जली हुई डायरी और इसमें से जो तथ्य निकला है उसकी ये डुप्लीकेट कॉपी है, ये लीजिए। एक विशेष प्रकार के अम्ल घंटे के मरे को जीवित, सफल यादाश्त नहीं, व्यव चित्र वाज भी नहीं, अभ्यास मानवीय आदत संभव है। इसका मतलब है? इसका मतलब यह है सर कि कब्र से लाश की चोरी डॉक्टर ने की है और कब्र से लाश को ले जाते वक्त उनकी मुलाकात शायद पुलिस से चेक पॉइंट पे हुई है। डेड बॉडी को डॉक्टर ने रॉबर्ट बना दिया है और मेरे ख्याल से रॉबर्ट के पास मेमोरी भी नहीं है। सर कैन आई सी दी रिपोर्ट? जैसे के चित्र, चित्र मैंने विचित्र, वाज मतलब आवाज, और अंतिम लाइन अभ्यास मानवीय आदतें संभव है।
तो निचोड़ यह निकला कि वो रॉबर्ट ह्यूमन फॉर्म यानी आदमी के रूप में है और उसके शरीर में खून की बजाय एसिड है, लेकिन लेकिन उसने डॉक्टर को क्यों मारा? सर यह संभव है कि वो डॉक्टर सोनी के रेप में आड़े आया हो और इसीलिए उसने डॉक्टर का मर्डर कर डाला। जिसके पास दिमाग ना हो, आवाज ना हो, जो बिना खून का है, वो सेक्स कैसे एंजॉय कर सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। जैसा कि डायरी में लिखा है, अभ्यास मानवीय आदतें संभव है। इस आधार पर यह संभव है कि रोबोट डॉक्टर और सोनी के सेक्स के संबंध को देखता रहा हो और उसमें प्रैक्टिस की कैपेसिटी आ गई हो। आपका यह तर्क ठीक है मिस्टर जॉन, तभी तो उसने कैबरे डांसर का रेप करके मर्डर कर दिया, ये उसकी आदत सी बन गई है। तब तो वो औरतों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। मिस्टर पाटिल, चारों तरफ पुलिस का जाल बिछा दो, 24 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार करना है। मगर उसे कैसे पकड़ा जाए, उसके वेयर अबाउट्स का पता कैसे लगाया जाए? सर सर, शहर का चप्पा चप्पा छान मारेंगे, कैसे नहीं मिलेगा? एहतियात के तौर पर नागरिकों को समाचार के जरिए सूचित करना जरूरी है। जेंटलमैन, नाउ गेट बैक टू योर जॉब। ओके सर। सुना है बेटा, शहर में शैतान घूम रहा है, उसे पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। ऐसी बात नहीं है माँ जी, पुलिस उसकी तलाश में लगी है। पुलिस से उसका सामना ही कहाँ हुआ है? सामना तो उसका कितनी बार हुआ है, लेकिन क्या मजाल कि पुलिस उसे पकड़ ले। वो तो खुलेआम सबके सामने घूमता है। कहाँ सबके सामने घूमता रहता है, क्यों 24 घंटे झूठ बोलती रहती हो? मैं झूठ बोल रही हूँ या आप में पकड़ने की हिम्मत? शैतान क्या, शैतान का बाप भी हो तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। देखना, जल्दी मैं उसे पकड़ के दिखाता हूँ। आप तो उसे कभी भी नहीं पकड़ सकते। क्यों बेटी, क्यों विक्रम को बराबर चिढ़ाया करती है? हाँ, वो एक पुलिस ऑफिसर है तो उसकी इज्जत किया कर। इनकी क्या इज्जत मम्मी, ये तो काम से जी चुराते हैं। हाँ हाँ, मेरा काम तो तुम करती रहती हो ना। ए मिस्टर इंस्पेक्टर, अगर तुम शर्त रखो तो मैं उसे पकड़ के दिखा सकती हूँ, ये मेरा दावा है। अरे तुम क्या पकड़ोगी उसे, लगी शर्त? खामखा मुझे परेशान मत करो। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ, बाय। भाग गए ना झगड़ालू महाराज। माँ, मैंने कहा था ना कामचोर है। बेटी तुम क्यों विक्रम को चिढ़ाती रहती हो? नई नई सर्विस है, परेशान रहता है। मैंने उसे बुलाया था हिम्मत बढ़ाने के लिए, अभी लड़का है, घर आए हुए मेहमान की खातिर करनी चाहिए, तो उल्टा तुम उसे चिढ़ाती रहती हो। अगर मैं ऐसे पेश न आती तो मुँह से दो शब्द भी ना निकलते। बड़ा शर्मीला है, शादी के बाद बोलने लगेगा। हेलो। हाय। हाँ सुधा, मैं आ रही हूँ। माँ, मेरी सहेलियों के साथ मेरा कुछ प्रोग्राम है, मैं जा रही हूँ। Choti, are you ready to dance?
बेटी गीता। हाँ माँ। ये कोई आने का वक्त है? अरे माँ तू क्यों घबराती है, जब सैया भय कोतवाल तो डर का है का? किसकी मजाल जो मेरे सामने आ जाए। माँ तुझे पता है विक्रम के नाम से ही सब घबराते हैं। अच्छा माँ तू अब जाके सो जा, मैं नहाने जा रही हूँ। गुड नाइट। मजाक सूझता रहता है, मजाक की भी एक सीमा होती है बेटी। तुम ये नहीं देखती कि वो कौन है, कैसा है? मैं सच कह रही हूँ माँ। क्या सच है, झूठ मूठ का बकती रहती? माँ मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं माँ? बेटी अब बस भी कर, रात काफी हो चुकी है, जा जाके सो जा। मैं सच बोल रही हूँ माँ। Ah!
हेलो हेलो क्या है? हेलो विक्रम, मैं गीता बोल रही हूँ। तुम्हारी एक्टिंग मैं समझ रहा हूँ। विक्रम, मेरे घर पे शैतान घुसा है, वो मुझे मार डालेगा। तुम जल्दी आ जाओ, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। विक्रम तुम जल्दी आ जाओ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। विक्रम, उधर कमिश्नर साहब, इधर तुम, दोनों ने नाक में दम कर रखा है। अगर अभी भी तुम अपनी आदतें नहीं सुधारोगी तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। दिस इज माई लास्ट वार्निंग, दैट्स ऑल। बेटी, बेटी क्या हुआ? बेटी, मुझे मार डालेगा। चुप हो जा बेटी, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा बेटी। कुछ नहीं होगा बेटी, कुछ नहीं होगा। मुझे मार डालेगा, मार डालेगा। अरे ये तो जख्मी है, लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है। काफी सीरियस मामला लग रहा है सर। Yeah!
आओ बेटा। भगवान करे तुम दोनों की उम्र लंबी हो, संबंध मधुर हो।